हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ह्यूमन फिजियोलॉजी लेक्चर्स। आज हम पढ़ेंगे न्यूरॉन्स के टाइप्स के बारे में। मैंने अपने इस लेक्चर को दो लेक्चर्स में डिवाइड किया है। जो टाइप्स ऑफ न्यूरॉन है उसका एक पार्ट आज हम यहाँ पढ़ेंगे और दूसरा पार्ट मेरे नेक्स्ट कमिंग लेक्चर्स में आएगा। तो टाइप्स ऑफ न्यूरॉन में हमने इसको इसमें तीन मेन टाइप्स में डिवाइड किया है, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ पोल्स अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट ऑफ एक्सोन। तो नंबर ऑफ पोल्स, दिस इज़ द पोल, और इस पोल्स के हिसाब से इसको कितने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। दूसरा आता है डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शंस ऑफ न्यूरॉन्स। ये न्यूरॉन्स के पर्टिकुलर क्या फंक्शंस हैं, वो मोटर हैं या सेंसरी हैं, इसके बिहाफ पे उसको डिवाइड किया गया है, क्लासीफाई किया गया है। तीसरा आता है डिपेंडिंग अपॉन द डेंड्राइटिक पैटर्न। ये डेंड्राइट्स के डिफरेंट स्पेसिफाइड पैटर्न की वजह से उनको क्लासीफाई किया गया है। तो टाइप्स ऑफ न्यूरॉन में हम सबसे पहले ले रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ पोल्स या फिर अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट ऑफ एक्सोन। इसमें सबसे पहले आता है यूनिपोलर न्यूरॉन्स। यूनिपोलर न्यूरॉन्स, इनमें एक ही सिंगल पोल होता है ये, और यहाँ से दोनों प्रोसेस एक्सोन और डेंड्राइट्स अराइज होते हैं। यूजुअली ये इनवर्टिब्रेट्स में मिलते हैं, लेकिन ह्यूमन बींग्स में या वर्टिब्रेट्स में ये एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑफ इन ह्यूमन बींग में देखे जाते हैं। ठीक है, एम्ब्रियोनिक स्टेज जब एम्ब्रियो यूट्रस में बन रहा होता है। दूसरे आते हैं इसमें स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स। स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स में एक्सोन जो होता है वो स्प्लिट हो जाता है सेंट्रल और पेरिफेरल प्रोसेस में। ये देखिए, ये एक पोल है, यहाँ से जो एक्सोन है ये दो में डिवाइड हो गया, ये ऊपर ये नीचे। तो इस तरीके के जो न्यूरॉन्स होते हैं वो प्राइमरी सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, और इन्हें स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स कहते हैं अपन। और कन्वे, इनका क्या मेन फंक्शन होता है, दे आर मेन इंपॉर्टेंट फॉर कन्वेइंग इम्पल्स फ्रॉम अ सेंसरी रिसेप्टर टू द स्पाइनल कॉर्ड। यानी सेंसेस को रिसेप्टर से स्पाइनल कॉर्ड तक ले जाने का काम जो है वो स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स करते हैं। और इसमें एग्जाम्पल में अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे डॉर्सल रूट गैंग्लियोनिक सेल। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है। तीसरे आते हैं बाइपोलर न्यूरॉन्स। बाइपोलर न्यूरॉन्स जिसमें सोमा से दो प्रोसेस अराइज हो रहे हैं, एक इधर से और एक इधर से। आप यहाँ से देखिए, इस सोमा से सिर्फ एक ही पोल आ रहा है, इधर भी सोमा से एक ही पोल आ रहा है, ठीक है, लेकिन इसमें बाइपोलर है यानी दो पोल्स आ रहे हैं। तो एक पोल्स तो है वो एक्सोन बनाता है और दूसरा जो है वो डेंड्राइट की तरह काम करता है। इट मीन्स टू प्रोसेस अराइज फ्रॉम द सोमा। अब इसमें आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि एग्जाम्पल दीजिए कि बाइपोलर न्यूरॉन्स कौन कौन से हैं। सो यू हैव टू नो दैट कि बाइपोलर सेल्स ऑफ रेटिना, न्यूरॉन्स फाउंड इन वर्ट्स वेस्टिबुलर एंड कॉकलियर गैंग्लिया, एंड न्यूरॉन्स इन नेजल ऑल्फैक्ट्री एपिथेलियम। आइज की सबसे थर्ड और इनर मोस्ट लेयर रेटिना में बाइपोलर सेल्स में इस तरीके के न्यूरॉन्स होते हैं। वेस्टिबुलर कॉकलियर गैंग्लिया यानी ईयर में इस तरीके के न्यूरॉन्स देखे जाते हैं। नोज में नेजल ऑल्फैक्ट्री एपिथेलियम में बाइपोलर न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। चौथा आता है मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। वो न्यूरॉन्स जिसमें कई सारे पोल्स होते हैं, इस सोमा से देखिए कई सारे ये पोल्स निकले हुए हैं। अब इसमें क्या होता है कि एक पोल तो राइज करता है एक्सोन को, दिस इज एक्सोन, ओके, एंड अदर पोल्स गिव राइज टू डेंड्राइट्स। और स्पेशली इस तरीके के जो न्यूरॉन्स हैं मल्टीपोलर, वो सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं CNS में, और एग्जाम्पल में स्पाइनल मोटर न्यूरॉन। ये आप एग्जाम्पल के तौर पे दे सकते हैं, MCQs में पूछा जाता है। डेंड्राइट्स ब्रांचेस प्रोफ्यूजली टू फॉर्म डेंड्राइटिक ट्री। और ये डेंड्राइट्स जो होते हैं प्रोसेस, ये अंदर अपने आप में और प्रोफ्यूज हो जाते हैं और ब्रांच्ड हो जाते हैं, और इसीलिए इनका रिसेप्टिव जोन या रिसेप्टिव एरिया बढ़ जाता है। सो दीज आर नोन एज मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। अब जो दूसरा क्लासिफिकेशन है वो है उनके फंक्शंस के अकॉर्डिंग, डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शंस ऑफ न्यूरॉन्स। तो मोटर न्यूरॉन्स, इन्हें हम एफरेंट न्यूरॉन्स भी कहते हैं। मोटर न्यूरॉन्स, एफरेंट न्यूरॉन्स, यानी ये वो न्यूरॉन्स हैं जो इन्फॉर्मेशन को कैरी करते हैं या इम्पल्स को कैरी करते हैं फ्रॉम CNS यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से टू पेरिफेरल इफेक्टर ऑर्गन लाइक मसल्स, ग्लैंड्स एंड ब्लड वेसल्स। इनके जो एक्सोन्स होते हैं वो लॉन्ग होते हैं और डेंड्राइट्स जो होते हैं वो शॉर्ट्स होते हैं। दूसरे आते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स वो होते हैं जो सेंसेस लेते हैं रिसेप्टर से, ठीक है, रिसेप्टर से ये इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं और उसको CNS तक ले जाते हैं, कैरी इम्पल्स फ्रॉम पेरिफेरी टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड।
एंड दे हैव शॉर्ट एक्सोन्स एंड लॉन्ग डेंड्राइट्स. लॉन्ग डेंड्राइट्स क्यों? क्योंकि ज़्यादा रिसेप्टर एरिया को कवर करने के लिए इनके पास डेंड्राइट्स यानी रिसेप्टिव जोन अगर ज़्यादा होगा तो ये इन्फॉर्मेशन को अच्छे से कैरी कर पाएंगे. इसी हिसाब से इसके अंदर ये स्ट्रक्चरल डिफरेंस होता है. तीसरा आता है डिपेंडिंग अपॉन द डेंड्राइटिक पैटर्न. अब डेंड्राइट्स के पैटर्न के हिसाब से भी न्यूरॉन्स को डिवाइड किया. ये बहुत ही स्पेसिफिक पैटर्न के भी सेल्स होते हैं. इन्हें दो में डिवाइड करते हैं. पहला है पिरामिडल सेल्स, दूसरा है स्टीलेट सेल्स. और ये जो पिरामिडल सेल्स हैं इनके डेंड्राइट्स का जो शेप होता है वो पिरामिड्स की टाइप का होता है, इसीलिए इन्हें पिरामिडल सेल्स कहते हैं. और ये सबसे ज़्यादा कहाँ मिलते हैं? हिप्पोकैम्पल पिरामिडल न्यूरॉन्स. और ये बहुत स्पेसिफिक एमसीक्यू क्वेश्चन है, पूछा जाता है. स्टीलेट सेल्स ये रेडियल शेप के होते हैं, इनके जो डेंड्राइट का पैटर्न होता है. और ये किस तरीके के एरिया में मिलते हैं? कॉर्टिकल स्टीलेट सेल्स यानी कॉर्टेक्स में. ये भी अनदर एमसीक्यू क्वेश्चन है. तो ओवरऑल अगर हम टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स के बारे में बात करें, आपसे पूछा जाए अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट ऑफ एक्सोन, अकॉर्डिंग टू द फंक्शंस ऑफ न्यूरॉन्स, अकॉर्डिंग टू द डेंड्राइटिक पैटर्न, आप इन तीनों को स्पेसिफिकली इसमें मेंशन कर सकते हैं. लेकिन अकॉर्डिंग टू द कंडक्शन स्पीड और डायमीटर, तो इसके बिहाफ पे इनको दो अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है, सॉरी तीन अलग कैटेगरीज में डिफाइंड किया गया है, जिसके हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे. तो आई होप इनको टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स को स्ट्रक्चरल बिहाफ पे अगर डिवाइड करें तो स्ट्रक्चरल बिहाफ में ये और फंक्शन बिहाफ पे ये तीन तरीके से डिवाइड होते हैं और आप इसका आंसर दे पाएंगे. आई होप यू वुड लाइक द लेक्चर. इस लेक्चर को कम्प्लीट करने के लिए मेरा नेक्स्ट लेक्चर ज़रूर सुनिए, जिसमें हम आपको बताएंगे कंडक्शन और स्पीड के हिसाब से जो है वो न्यूरॉन्स का क्लासिफिकेशन आगे किस तरह से हुआ है. Thank you. Wish you all the best. If you like my lecture, please like and subscribe. God bless you.